इस दुनिया में पक्षियों की करीब 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और सबकी अपनी अलग अलग खासियत है। जहां कुछ पक्षी अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं तो वहीं कुछ अपनी उड़ान की वजह से, जबकि कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो अपने आक्रामक स्वभाव की वजह से लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही आक्रामक स्वभाव वाले दुनिया के सबसे खतरनाक और अनोखे पक्षियों से मिलवाने वाले हैं। इनमें से कुछ पक्षी जहां अपने भाई बहनों की ही जान ले लेते हैं तो वहीं कुछ के हमले इंसानों को घायल कर देते हैं। कौन से हैं ये पक्षी और क्या कुछ है इनमें खास, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कुकू बर्ड। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जिस पक्षी ने अपनी जगह बनाई है वो है कुकू बर्ड यानी कि कोयल। वैसे कोयल को खतरनाक कहने के साथ साथ दुनिया का सबसे चालाक पक्षी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। शातिर और चालबाज किस्म के ये पक्षी बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं और ये खुद को हर जिम्मेदारी से स्वतंत्र रखना जानते हैं, जिस वजह से इनमें मादा अपने अंडों को दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर रख देती है। जी हाँ, जहाँ दूसरे पक्षी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए बाकायदा घोंसला तैयार करते हैं, वहीं कोयल को घोंसला बनाने तक की जरूरत महसूस नहीं होती। और जब अंडे देने का समय आता है तो ये पक्षी रीड वेबलर, मिडोपिपीट और डनक पक्षी के घोंसले की तलाश करके उनमें अपने अंडे दे देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा पक्षी के इस काम में नर पक्षी उनकी मदद करता है। वो दूसरे प्रजाति के पक्षियों का ध्यान भटकाता है और जैसे ही दूसरे पक्षी अपना घोंसला छोड़कर नर कुकू बर्ड के पीछे जाते हैं, इसका फायदा उठाकर मादा इन पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे डाल देती है। ये अंडे रंग रूप आकार में बिल्कुल दूसरे प्रजाति के पक्षियों के अंडे की तरह ही होते हैं, जिस वजह से दूसरे पक्षी जब वापस अपने घोंसले में आते हैं तो वो अंडों में अंतर ही नहीं कर पाते। वैसे दोस्तों, कोयल की तरह उसके अंडे और बच्चे भी काफी ज्यादा शातिर होते हैं। कोयल के अंडे घोंसले में मौजूद अपने साथी अंडों के मुकाबले जल्दी बड़े हो जाते हैं और जल्दी ही उनमें से बच्चे भी निकल आते हैं, जो अपनी पालनकर्ता माँ का पूरा ध्यान पाने के लिए अपने साथी भाई बहनों को बहुत ही चालाकी से घोंसले से बाहर गिराकर नष्ट कर देते हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप इस क्लिप को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ये कोयल का बच्चा अपने साथी भाई बहनों को नीचे फेंक रहा है। वाकई मानना पड़ेगा चालाकी के मामले में शायद ही कोई पक्षी कोयल को टक्कर दे पाए। बियर्डेड वल्चर। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे पक्षी को जानते हैं जो हड्डियां निगलने में माहिर हो? अगर नहीं तो आपको बियर्डेड वल्चर से मिलना चाहिए। ये हमारे ग्रह का इकलौता ऐसा पक्षी है जो अपने लिए 90% न्यूट्रिशन हड्डियां खाकर प्राप्त करता है। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भला एक वल्चर हड्डियां कैसे निगल सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सच है। बियर्डेड वल्चर छोटी हड्डियों को निगलने में माहिर होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो आसानी से हड्डे वो सड़े गले मांस को पचा लेते हैं। और बात जब बड़ी हड्डियों की होती है जिसे वो एक बार में नहीं निगल पाते हैं, उस हड्डी को खाने के लिए वो उसे लेकर एक ऊंची उड़ान भरते हैं और किसी पथरीली चट्टानी जगह पर या फिर किसी पहाड़ के ऊपर ऊंचाई से गिरा देते हैं, जिससे उस हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बियर्डेड वल्चर उसे आसानी से निगल पाते हैं। श्राइक्स बर्ड। दोस्तों, श्राइक एक मीडियम साइज की झुकी हुई चोंच वाली शिकारी पक्षी है, जिसकी हमारे ग्रह पर लगभग 30 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। आमतौर पर ये काले या सफेद निशान के साथ ग्रे या ब्राउनिश कलर के होते हैं। वैसे श्राइक लोगों के बीच लहटोरा या कसाई पक्षी के नाम से भी काफी फेमस है। श्राइक को अपना ये नाम अपने शिकार को मारने के तरीके की वजह से मिला हुआ है, जिसमें यह बड़ी बेरहमी से अपने शिकार को मारती है। ये सबसे पहले अपने शिकार की गर्दन पर तेजी से अपनी चोंच से वार करती है और फिर उसे अपनी चोंच से पकड़कर जोर से हिलाती है। जब इनका शिकार अधमरा हो जाता है तब ये अपने शिकार को नुकीली चीजों जैसे कांटेदार पेड़ या फिर कांटेदार तारों पर लटका देती है और फिर कई दिनों तक आकर उसे खाती है। कहा जाता है कि ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि अगर कोई जीव जहरीला हो तो इतने दिनों में उसका जहर नष्ट हो जाएगा। श्राइक अपनी चोंच से बड़े बड़े कीड़े, छिपकलियों, चूहे और छोटे पक्षियों को भी मार डालती है। कैसोवेरी।
दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी की बात होती है तो उसमें कैसोवेरी का नाम सबसे टॉप पर आता है। ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पक्षी के शरीर का ऊपरी भाग, खास करके गर्दन वाले हिस्से पर नीले रंग के धब्बे होते हैं। वैसे कैसोवेरी दिखने में जितने खतरनाक लगते हैं, रियल लाइफ में ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। शुतुरमुर्ग और एमू के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पक्षियों में इनकी गिनती होती है। कैसोवेरी करीब 50 किलोमीटर की स्पीड से भी भाग सकते हैं। कैसोवेरी की एक और सबसे खास बात यह है कि ये बहुत अच्छे तरीके से तैरना जानते हैं और अपनी इन्हीं खूबी की वजह से इन्हें अक्सर मछलियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। वैसे कैसोवेरी के पैरों के अंगूठे में अंदर की तरफ छुरे जैसे पंजे होते हैं, जिससे किसी का भी पेट आसानी से चीरा जा सकता है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। आक्रामक होने पर ये दुश्मन पर सीधे अपने पंजों से ही हमला करते हैं। ये पक्षी काफी ज्यादा हिंसक होते हैं। ये अपने अंडों के पास किसी को भटकने तक नहीं देते हैं, और अगर गलती से भी कोई इनके अंडों के नजदीक चला जाता है तो फिर ये उन पर हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। कैसोवेरी के हमले से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। गोल्डन ईगल्स। दोस्तों, गोल्डन ईगल्स अपनी स्ट्रेंथ, अलर्टनेस और अपनी उड़ान की ऊंचाइयों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। इनकी आंखें इतनी तेज तर्रार होती हैं कि अपने शिकार को 2 माइल्स की दूरी से भी देख लेते हैं, और इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इंसान भी इससे हार जाए। इनकी हंटिंग स्किल्स अच्छे अच्छों को मात दे देती है। यही वजह है कि गोल्डन ईगल्स की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में होती है। शिकार के समय कभी भी ये पक्षी ये नहीं देखता कि उसका शिकारी जानवर साइज में कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। बस एक बार अगर उनकी नजर अपने शिकार पर चली गई तो फिर पलक झपकते ही ये अपने शिकार को दबोच लेते हैं, और जिन्हें नहीं दबोच पाते, जैसे कि भेड़, बकरी, लोमड़ी, जो कि आकार में इनसे काफी ज्यादा बड़े हैं, उन जानवरों को ये पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि उस जानवर की मौत हो जाती है, और फिर बाद में ये ईगल शांति से बैठकर उस जानवर को अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों, गोल्डन ईगल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कई बार तो इन्हें शेर के बच्चों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। ये शेर के बच्चों को उठाकर पहाड़ी पर लेकर चले जाते हैं और फिर वहां से उन्हें नीचे गिरा देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है और इन्हें अपना भोजन मिल जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि ईगल की इस नस्ल को, यानी कि गोल्डन ईगल्स को, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ईगल की नस्ल माना जाता है। यूरोपियन हरिंग गल। दोस्तों, यूरोपियन हरिंग गल एक ऐसा पक्षी है जिसकी खूबसूरती अक्सर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेल, अगर अपनी क्यूटनेस से इस पक्षी ने आपका भी मन मोह लिया है तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यूरोपियन हरिंग गल दिखने में जितने क्यूट लगते हैं, ये उतने ही ज्यादा आक्रामक होते हैं, और अपने इसी नेचर की वजह से इन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करने वाला पक्षी माना जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पक्षी इंसानों पर हमला करने से नहीं कतराता है, वो भला दूसरे पक्षियों पर हमला करने से कैसे खुद को रोक सकता है। यूरोपियन हरिंग गल बर्ड इतने खतरनाक होते हैं कि ये दूसरे पक्षियों से, इवन जानवरों से भी भिड़ने का जज्बा रखते हैं, जिनमें उनकी मदद करते हैं उनके पंजे और चोंच। इस पक्षी के पंजे और चोंच इतने ज्यादा पैने होते हैं कि ये इंसान तक को भी जान से मार सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकेला एक पक्षी भला किसी इंसान की जान कैसे ले सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी अकेले किसी पर अटैक नहीं करते हैं। ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और अपने ग्रुप के साथ ही हमला करते हैं। एक्चुअली ये पक्षी इंसानों के आवासीय क्षेत्र में ही घोंसला बनाकर रहते हैं, और जब किसी इंसान को कुछ खाते हुए देखते हैं तो उनसे भोजन हथियाने की कोशिश में अपने झुंड के साथ इंसानों पर हमला कर देते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जिनमें यूरोपियन हरिंग गल बर्ड के हमले से इंसानों को गंभीर चोट पहुंची है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी ये पक्षी अपने झुंड के साथ आते हुए दिख जाए तो फौरन आप वहां से 9 to 11 हो जाइए। तो दोस्तों, ये है वो पक्षी जिन्हें हमारे ग्रह के मोस्ट डेंजरस और यूनिक बर्ड्स का खिताब मिला हुआ है। वैसे इनमें से कौन सा पक्षी आपको ज्यादा खतरनाक